नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और आज हम बनाना सीखेंगे ब्रेजियर यानी अंगीठी का चित्र। तो पहले यहाँ पे हमें पहले स्टेप में पेपर को सेंटर में से डिवाइड कर देना है बीचों बीच में से, और एक मार्जिन को खींचना है। सिमेट्रिकल शेप देने के लिए पहले लाइन को डिवाइड करना होगा मार्जिन को। और ब्रेजियर को बनाने के लिए हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा ऊपर से बॉटम लाइन पर से, जैसा कि मैंने स्टेप वाइज स्टेप जो है वीडियो में मेंशन कर रखा है, आप उस मेंशन को भी देखते चलिए। नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेस लाइन, और उस बेस लाइन के हिसाब से ऊपर की लाइन पे जो हमने सर्कल बनाया है उसी सर्कल के हिसाब से हमें एक और सर्कल नीचे से हाफ बनाना होगा। बर्तन की जिस तरीके से हम लोग गहराई को शो करने के लिए ओवल बनाते हैं, हमें ब्रेजियर में भी वही चीज़ को प्रेजेंट करना है उसी ड्राइंग को। ये पहले हमें पूरा एक ब्लॉक बना लेना होगा ड्राइंग को। दोस्तों, हर एक ड्राइंग का नियम होता है कि जब हम स्मृति चित्र में किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं कि जब ड्रॉ करते हैं किसी भी स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट को, तो हमें सबसे पहले उसके फॉर्म को ऑब्जर्व करना होता है, और उसके फॉर्म को ऑब्जर्व करते हुए उसके स्ट्रक्चर को बनाना होता है ब्लॉक वाइज, और ब्लॉक को बनाते हुए उसी ब्लॉक के आधार पर फाइनल आउटलाइनिंग करनी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं यहाँ पे फाइनल आउटलाइनिंग भी कर रही हूँ। अब ये ड्राइंग यहाँ पे लगभग बन के तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपको अंगीठी की ड्राइंग बनानी है, और अंगीठी का जो हैंडल होता है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। दोस्तों, हम स्मृति चित्रण में किसी भी बर्तन या अंगीठी जिसका भी चित्रण करते हैं तो हमें सिमेट्री का और बैलेंस का ध्यान रखना होता है, जैसा कि ड्राइंग में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में। और इसी वीडियो के अनुसार आप भी इसको देखकर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको अब तक मैंने जितने भी वीडियोस में ट्यूटोरियल दिए हैं, आप मेरी ट्यूटोरियल से आपने अगर कुछ सीखा और आप मेरे ट्यूटोरियल के द्वारा मेरी ही ड्राइंग को देखकर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। साथ ही आपको ये ड्राइंग बनाते वक्त आपको मेरे चैनल का नाम मेंशन करते हुए क्रेडिट देना होगा, बिकॉज जो मैंने जितने भी ड्राइंग बनाई वो खुद के आइडियाज़ पे बेस्ड बनाई है। जो मैंने ट्यूटोरियल्स दिए हैं वो अपने चैनल से दिए हैं, तो आपको ऐसा हर यूट्यूबर के आर्ट चैनल के लिए करना होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अब शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। हल्की हल्की शेडिंग करते हुए ब्लेंडिंग स्टेम्प से मैं यहाँ पर ब्लेंड भी कर रही हूँ शेडिंग को। ये मैंने जालियों को यहाँ पर शेड किया है। साथ ही अंदर की गहराई को दिखाने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड किया है, जिस तरह हम बर्तनों में गहराई को दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने शेड किया है। और बर्तन के स्टैंड जो होते हैं बर्तनों में, जिस तरीके से स्टैंड बना होता है जैसे गैस चूल्हे पर स्टैंड बना होता है, ठीक ब्रेजियर में भी उसी तरह एक स्टैंड बना होता है जिस पर हम लोग बर्तन रख के क्या कहते हैं कुछ भी बना सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, इस तरीके से स्टैंड बना रहता है। उस स्टैंड को मैंने शेड किया है, हैंडल को शेड किया है यहाँ पे। किस तरीके से आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए वीडियो में, और बिल्कुल इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसमें मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है स्मृति चित्रण में बनाने के लिए। ये हमारे पहला पार्ट है, पहला लेसन है हमारे स्टिल लाइफ बुक का। सो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल इसी तरह आउटलाइन पर ध्यान दीजिए, फाइनल आउटलाइन कैसे की जाती है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उसके फॉर्म को कैसे बनाते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो पहला जो हम लोग लेयर ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में, वो हमें सबसे पेंसिल को हल्का सा प्रेशराइज करते हुए सबसे हल्का बनाना होता है ड्राइंग को। और पहले हम फॉर्म को बनाते हैं, ब्लॉक वाइज ड्राइंग करते हैं, तब हम फाइनल आउटलाइन करते हैं। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ, शेडिंग को मिक्स करने के लिए, मर्ज करने के लिए। पूरी ड्राइंग को आपने स्टेप वाइज स्टेप देखा दोस्तों। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी पिछले ट्यूटोरियल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो सबसे मुख्य रूप से जो मैंने सबसे बेसिक जो हमने ड्राइंग के बेसिक्स ट्यूटोरियल दिए थे, वो हमने उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप आसानी से देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। और दोस्तों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस भी करते रहिएगा साथ ही। हमारे चैनल का उद्देश्य लोगों को कला के प्रति प्रेरित करने का है, और आप इस तरीके से बेगिनर लेवल पे जो मैंने ड्राइंग ट्यूटोरियल शेयर किए हैं उन सबको प्रैक्टिस करते चलिए। आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं मेरी आर्ट को। अब हमें ऑब्जेक्ट को आधार देने के लिए, किसी भी स्मृति चित्र के वस्तु को आधार देने के लिए हमें उसको नीचे से शेड कर देना होता है, जिससे लगे कि ये वस्तु रखी हुई है किसी चीज पर। अब आप देख सकते हैं हमारी ड्राइंग लगभग तैयार है, और आउटलाइन को थोड़ा सा हम और मेंटेन कर लेते हैं। दोस्तों आप भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। आप भी इसी प्रकार अभ्यास कीजिए।